नमस्कार, वेलकम टू फूड स्पीशीज। आज हम बनाएंगे एक स्पेशल डेजर्ट, फ्रेश फ्रूट केक बना के तैयार करेंगे। बिना एग और कंडेंस मिल्क के भी हम कैसे एक स्पंजी केक बना सकते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए अभी रेसिपी शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अभी हम केक के लिए बैटर बनाएंगे, तो मैं ले रही हूँ एक छोटा कटोरी दही। अभी इसमें हम ऐड करेंगे हाफ बाउल रिफाइंड ऑयल। इसमें हम बटर नहीं डालने वाले, रिफाइंड ऑयल से ही इसको हम बनाएंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 2-3 बूंदे वैनिला एसेंस। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाए फिर उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून विनेगर और पाउडर शुगर। पाउडर शुगर डालने के बाद और एक बार सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। जब सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाए फिर उसमें ऐड करेंगे मैदा, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अभी हम सब इंग्रेडिएंट्स को मिला के इकट्ठा कर लेंगे। अभी हम ये मिक्स में थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना दूध डाल के बैटर बनाएंगे। जब तक केक वाला बैटर की कंसिस्टेंसी में ना आए तब तक थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमको मिलाते रहना है। फिर हमको बैटर को 2 मिनट तक बीट करना है। तो केक के लिए अभी बैटर तैयार है। अभी हम बेकिंग पैन को ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के, और मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री में 10 मिनट्स तक। बेकिंग पैन में एक बटर पेपर भी ऐड करेंगे ताकि जब हमारा केक बेक हो जाए वो आसानी से निकल आए। साइड में भी एक बटर पेपर का पीस दे देंगे। अभी हम बैटर को पैन में डालेंगे। पैन को अभी थोड़ा सा टैप करेंगे और हम 25 से 30 मिनट तक केक को बेक करेंगे। ये कुछ फ्रेश फ्रूट है जिसको मैंने कट करके लिया है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट का छिलका निकाल के उसको कट करके लिया है, उसके साथ ग्रीन ग्रेप्स और ऑरेंज, और ये है ऑरेंज फ्लेवर वाला चाशनी। एक बाउल शुगर के साथ एक बाउल पानी मिला के मैंने उसको बॉयल किया। जब चाशनी तैयार हो गया फ्लेम को बंद करके, चाशनी ठंडा होने के बाद उसमें 1 कप ऑरेंज जूस मिलाया। तो अभी हम ये ऑरेंज फ्लेवर वाला चाशनी को पहले सारी की सारी फ्रूट्स के ऊपर डालेंगे ताकि फ्रूट्स का जो खट्टाई है वो थोड़ा कम होके मिठास में बदल जाए। आइसिंग के लिए अभी हम व्हिप्ड क्रीम को बीट करेंगे। व्हिप्ड क्रीम थिक होने तक हमको बीट करना है, और व्हिप्ड क्रीम थिक होने के लिए कम से कम 25 से 30 मिनट लगता है। व्हिप क्रीम अभी थिक हो चुका है और आइसिंग वाला कंसिस्टेंसी में आ चुका है, तो अभी हम बीट करना बंद करेंगे। केक भी बेक हो चुका है। अभी रूम टेम्परेचर में आने के बाद इसको एक प्लेट में ले लेंगे।
साइड में जो बटर पेपर हमने डाले हैं उसको निकाल देंगे। केक का ऊपर भाग जो थोड़ा डार्क हो गया है उसको हम कट करके निकाल देंगे। बीच में से कट करके केक को दो टुकड़ा कर लेंगे। अभी हम आइसिंग करना शुरू करेंगे, तो पहले एक लेयर केक के ऊपर हम चाशनी डालेंगे ऑरेंज फ्लेवर वाला। फिर उसके ऊपर ऐड करेंगे व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम के ऊपर हम कटी हुई फ्रेश फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हो, या आपके पास घर में जो अवेलेबल हो वो फ्रूट्स ऐड करना ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके ऊपर ऐड करेंगे दूसरा पीस केक को। केक के ऊपर चाशनी ऐड करेंगे। चारों तरफ से चाशनी को भर के बनाए। अभी हम व्हिप क्रीम से केक को चारों तरफ से कवर करेंगे। तो अभी मैंने केक को व्हिप क्रीम से कवर कर लिया है। ये एक लार्ज स्टार शेप नोजल है, इसमें हम केक का एजेस बनाएंगे। केक की ऊपर साइड में भी हम डिजाइन कर लेंगे। ये जो लार्ज स्टार शेप नोजल है इसमें बहुत कुछ हो सकता है और ये बड़ा ही अच्छा काम में आता है। अभी हम फ्रेश फ्रूट से केक को सजा देंगे। केक को हम कैसे भी बना सकते हैं, फ्रेश फ्रूट से सजा सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको बना सकते हो फ्रेश फ्रूट से, लेकिन मैं उसमें लाइट डार्क कॉम्बिनेशन देके उसके ऊपर फ्रेश फ्रूट से भर दूंगी। सारी की सारी फ्रूट्स देने के बाद बीच में एक फ्लावर बना देंगे व्हिप्ड क्रीम से, और उसके ऊपर और थोड़ा स्ट्रॉबेरी के पीसेस ऐड करेंगे। स्ट्रॉबेरी के ऊपर और थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम ऐड करेंगे। साइड में ग्रीन ग्रेप्स ऐड करेंगे। अभी स्ट्रॉबेरी फ्रूट के पीछे से जो पत्ता निकला है उसको हम सबसे ऊपर ऐड करेंगे केक के ऊपर। तो अभी हमारा फ्रेश फ्रूट केक बनके तैयार है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है और खाने के लिए भी एकदम टेस्टी है। ये वाला रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए।